हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और अभी जो है ओमिक्रॉन जो है बढ़ने लगा है, तो आप लोग भी घर पे रहिए और सेफ रहिए। और अभी जो है टाइम हो चुका है 9:12 हुआ है, 9:12 हो चुका है। और अभी जो है सब लोग ड्यूटी पर जा चुके हैं, आप लोगों को तो पता ही है। सब लोग ड्यूटी जा चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, मैं क्या क्या करती हूँ दिखाते हैं। और अभी जो है मुझे सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी ब्रेकफास्ट किए हुए हैं, थोड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, तो मैं उसे वॉश कर लूँगी पहले। और पहले जो है मैं कढ़ाई और बर्तन जो है थोड़ा सा खाली कर लूँगी, और एक साथ मैं सारे बर्तन को वॉश कर लूँगी पहले, और फिर मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ही राइस बचा हुआ है। ये जो है मैं सुबह पापा के लिए लंच बनाई हुई थी। लंच लेकर ही जाते हैं पापा, आप लोगों को तो पता ही होगा। और ये जो है मैं करेला बनाई थी, करेले का भुजिया आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है मैं सब्जी भी बनाई हुई थी, ये थोड़ा सा बचा हुआ है ये जो है। तो फिर चलिए चलते हैं, मैं अभी जो है बर्तन को पहले खाली कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं बर्तन को पहले खाली कर लूँगी, जो कि मतलब जिसमें मुझे पानी भरना है वो भी मैं खाली कर लूँगी। थोड़ा सा राइस बचा हुआ है उसे मैं निकाल ले रही हूँ, छोटे जगह पे रख लूँगी, और उसे भी मैं वॉश कर लूँगी। सारे बर्तन को एक साथ मैं वॉश कर लूँगी पहले। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं यहाँ पर जो है मैं गैस लगा ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है मैं 3-4 थो रोटी बना लूँगी पहले यहाँ पर। मैं किसके लिए मैं बना रही हूँ आप वीडियो में आगे देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं रोटी बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी से। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग चलते हैं बाहर रोटी लेकर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रेड कलर का गाय, आप लोग तो पहले वीडियोस में देख ही चुके होंगे इसे। ये जो है रोज ही आती है, और मैं इसके लिए जो है रोटी बना के पहले से रख लेती हूँ, पर ये कल जो है नहीं आई थी, तो इसलिए मैं नहीं बनाई थी आज, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बना के ले आई। ये जो है मैं बोलती हूँ कि मैं लाती हूँ वेट कर, तो रुक जाता है, रुका रहता है। जब तक मैं खाना नहीं खिलाती हूँ ये वेट करता है, और फिर बाद में ही जाता है। तो रोटी खिलाने के बाद यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा राइस और दाल बचा हुआ था रात का, तो वो भी मैं ले के बाहर दे रही हूँ उसे खाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि यहाँ बाहर मैं जाऊँगी उतना भी वीडियो शूट होगा, पर वीडियो पे आ गया है पूरा ही।
सो गाइस, अभी जो है मैं चलती हूँ, थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मम्मी पापा का बेडरूम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा बेड को सेट कर लूँगी, ब्लैंकेट सब फोल्ड करके रख लूँगी। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले मैं विंडो को ओपन कर लूँगी और ब्लैंकेट को फोल्ड कर लूँगी और बेडशीट को भी मैं सेट कर लूँगी पहले। और उसके बाद जो है मैं टेबल को क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा पोछ लूँगी। आप लोग देख सकते हैं, एक कपड़े में डेटॉल लगा के मैं पोछ लेती हूँ टेबल को। क्लीन करने के बाद यहाँ पर जो है मैं हैंड वॉश कर ले रही हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल में हैंड वॉश रखा हुआ है, इसे मैं साइड कर लूँगी। ये भी थोड़ा सा जगह जो है सेट कर लूँगी। और यहाँ पर जो आपको दिख ही रहा होगा पिंक कलर का बॉक्स, इसे जो इसमें जो है मम्मी का जो है मतलब डेली जितना वो यूज करती हैं क्रीम वगैरह, बिंदी क्रीम, कुमकुम, ये सब इसमें डाल के मैं रख लूँगी। क्योंकि बाहर जो रखा हुआ है वहाँ पर जो है चूहा के सारा चीज़ जो है लेके चला जा रहा है, तो इसलिए इस बॉक्स में मैं रख लूँगी उसे पहले। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें को जो है मम्मी जी का सारी चीज़ों को। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर का पानी जो है मैं ऑन कर ली हूँ। और यहाँ पर जो है मैं पीने का पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन पे निकाल ली हूँ, जिसमें मैं रोज़ गर्म करती हूँ पानी। और पानी को गर्म करके मैं रख लूँगी। ये जो कोरोना आया बाद से जो है घर में सभी जो है गर्म पानी ही पी रहे हैं, तो ये जो है बड़ा सा बर्तन में गर्म पानी कर लूँगी मैं पीने के लिए।
तो फ्रेंड्स अभी जो है मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अभी जो है मैं अपने लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लूँगी कुछ खाने के लिए, तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी और खा लूँगी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ एपी नूडल्स। एपी नूडल्स मैं बना के खा लूँगी थोड़ा सा। मुझे जो है भूख नहीं लग रहा था तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हुई थी अभी तक, और ब्रेकफास्ट जो है मैं लेट में ही करती हूँ, आदत हो गया है शादी के बाद से ही, तो लेट में ही खाती हूँ। बस थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं मैगी को थोड़ा सा भून लूँगी और डायरेक्ट पानी डाल दूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाइएगा, मैगी कैसे बनाते हैं एपी नूडल्स। मैं जो है ऐसे सिंपल ही हम लोग बना लेते हैं, और कभी कभी अगर मन करता है तो ग्रीन मटर, गाजर ये सब डाल के भी कभी कभी बायचांस बना लेते हूँ। और अभी जो है सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही थी, तो सिर्फ सिंपल सा ही मैं बना रही थी। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैगी जो है मैं पानी डाल दी हूँ इसमें। इसे जो है हम 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे ड्राई होने तक। और यहाँ पर जो है ये न्यू बर्तन है, मतलब पहले से ही खरीदा हुआ था और बॉक्स में रखा हुआ था, तो अभी जो है मम्मी निकाली हुई थी तो इसे मैं वॉश करके रख ली थी। तो इसे जो है मैं सूखे कपड़े में एक ठो अच्छे से पोंछ लूँगी पहले, और इसे मैं रख लूँगी, अभी यूज नहीं करना है इसे। ऑलरेडी तो जितना है बर्तन यूज हो रहा है, तो इसे जो है मैं वॉश करके रख लूँगी। वॉश किया हुआ था इसे मैं कपड़े में पोंछ के रख लूँगी उसे अंदर। और यहाँ पर जो है मेरा मैगी जो है ड्राई होने लगा है, तो मैं प्लेट भी वॉश करके ले आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैगी जो है मैं निकाल के ले आई हूँ कमरे में खाने के लिए। और यहाँ पर जो है मेरे कमरे में विंडो है, तो वहाँ से जो है बहुत ही अच्छा धूप आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और सामने जो है मेरा मिरर है, तो यहाँ पर जो है मैं मैगी खा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं गर्मा गर्म मैगी। और यहाँ पर जो है धूप आता है, तो यहाँ पर बैठने के लिए स्पेशली ठंड के मौसम में विंटर में अच्छा लगता है, यहाँ पर अंदर ही बैठ के धूप आ जाता है, तो मैं यहीं पर ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना बढ़िया धूप हो रहा है। तो अभी जो है काफ़ी ठंड हो रहा है, आप लोगों के यहाँ कैसा ठंड हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा है। अभी जो है मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, थोड़ा बैठूंगी और उसके बाद जो है मैं लंच बनाऊंगी। तो फिर मैं चलती हूँ, अभी थोड़ा सा मैं धूप में बैठ लेती हूँ, बहुत घर पे जो है ठंड हो रहा है, तो फिर चलिए चलते हैं। मसाला ग्राइंड करने के लिए मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, और ये जो है थोड़ा लहसुन का कलियाँ 2-4, ये मैं निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है मेरा छोटा छोटा वाला कढ़ाई, इसे जो है मैं अच्छे से घिस घिस कर साफ़ कर रही हूँ, काफ़ी जो है काला हो गया था कढ़ाई। और यहाँ पर जो है बेसन में ऊपर में रख के घिसने से अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो मैं देखती हूँ कितना क्लीन होता है, अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ इसे। जो मैं मैगी खाई हुई थी वो भी प्लेट भी मैं वॉश कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड जो है मैं राइस चढ़ा दी हूँ और एक साइड जो है मैं एग बॉईल कर रही हूँ।
तो अभी जो है एग करी बनने वाला है, तो उसी के लिए ही मैं मसाला पीस मसाला ग्राइंड करने के लिए निकाली हुई थी। और ये जो है ऑनियन के मैं आप लोग यही जो है मैं मम्मी के लिए बनाने वाली हूँ। और ये जो है बड़ी, इसे बड़ी बोला जाता है, उड़द दाल से बनता है ये बड़ी। और ये जो है ड्राई प्रॉन्स, आप लोग देख सकते हैं प्रॉन्स, तो ये ड्राई वाला प्रॉन्स जो है छोटा वाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है हेड निकाल के इसे मैं रख लूँगी। इसे जो है काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है हेड निकालना पड़ता है, तो ऐसे हेड निकाल के ही मैं सेपरेट कर ले रही हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और 3 ठो मैं बड़ी ले ली हूँ, और 1 ठो बैंगन और टमाटर ले ली हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है प्रॉन्स जो है इसे मैं पानी डाल के वॉश कर लूँगी। और इसकी जो है मैं पूरा रेसिपी आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो सब्जी है मैं कट कर लूँगी, और थोड़ा सा जो है सीम भी मैं ले आई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो जो मैं प्रॉन्स जो मैं पानी में डाल दी थी उसे मैं पहले फ्राई कर लूँगी अच्छे से, हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेंगे ऑयल में। और ऑयल में भूनने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है जो मैं उड़द दाल की बड़ी जो मैं ली हुई थी, बड़ी को भी मैं हाथों में क्रश करके डाल दूंगी ऑयल में, और हल्का सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बड़ी भी जो है ब्राउन कलर हो चुका है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ कढ़ाई से। अभी जो है मैं ऑयल में चॉप्ड ऑनियन डाल दूंगी, और यहाँ पर जो है मैं साथ ही साथ सब्जी भी मैं कट कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ऐसे ड्राई प्रॉन्स के साथ ओनियन का स्टेम जो होता है उसे बनाने के, ओनियन का जो भाजी भी होता है, साग जो होता है, उससे भी आप बनाने से ड्राई प्रॉन्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ओनियन भुनने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैं सारी सब्जी को इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और उधर जो है मैं एग बॉईल हो रहा था, तो उसमें मैं आलू डालना भूल गई थी, तो मैं आलू को कट करके डाल दी हूँ ताकि जल्द ही वो बॉईल हो जाए। और सब्जी को जो है ऑयल में हम अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे टर्मेरिक रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर दूँगी, और चॉप्ड टमाटर भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और अच्छे से मैं भून लूँगी ऐसे मसाले के साथ सब्जी को और टमाटर को भी। और टमाटर सॉफ्ट होने के बाद जो हमने ऑयल में भून के रखा हुआ था उड़द दाल की बड़ी और ड्राई प्रॉन्स को उसे हमें डाल के अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा। और अभी जो है मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, आप जितना मतलब ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसमें जो है ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, हल्का सा ही ड्राई ड्राई सा ही ये बनेगा। सकते हैं सब्जी जो है ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरा मोबाइल का लाइट नहीं चल रहा था, तो नहीं चल रहा था, बैटरी एकदम लो हो चुका था, तो यहाँ पर जो है मैं दूसरे मोबाइल पे लाइट लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और यहाँ पर जो है उसके बाद मैं एग करी बना रही हूँ, और हेयर कर जो है मैं बन बना ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मतलब कुकिंग करते टाइम हेयर ओपन रखने से नहीं है, ठीक नहीं होता है, मतलब हेयर जो है खाने में गिर भी सकता है, तो
तो यहाँ पर जो है मैं एग करी बना रही हूँ। एग करी का रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं एग करी बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और ये जो है दोपहर को मम्मी जब ड्यूटी से घर आई थी तो यहाँ पर जो है ये दही बड़ा लेकर आई थी 2 बजे।